टेक बडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले। फ्रेंड्स, अगर आपका अकाउंट है SBI बैंक में तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि SBI ने कर दिए हैं कुछ बड़े बदलाव अपने चार्जेस में, अपनी सर्विसेज में, तो आपको फ्यूचर में कोई उल्टे सीधे चार्जेस का सामना ना करना पड़े, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हूं रतन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक बडी पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है हमारा SBI से रिलेटेड कुछ चार्जेस के बारे में और इनकी सर्विसेज के बारे में। आज से SBI ने अपने चार्जेस में काफ़ी बड़े फेरबदल किए हैं, काफ़ी चेंजेस किए हैं, तो ये वीडियो इसके बारे में ही है। इन चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको अगर डिटेल्स में बताऊं तो इसमें एक जो आर्टिकल जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये अमर उजाला का आर्टिकल है और इसमें आपकी डिटेल जो दी गई है, इसकी जो हेडलाइन है उसमें लिखा हुआ है आपका, आज से SBI काटेगा आपकी जेब, ATM से लेकर हुई सारी सर्विसेज महंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो मैं मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो सबसे ज़रूरी बात इन्होंने इनिशियली जो बताई है वो है आपका, इसमें अगर हम शुरू से देखते हैं कि सबसे अहम बदलाव खाते से कैश निकालने के नियम में किया जा रहा है। आज से एक माह में केवल 4 बार ही रकम निकासी मुफ्त होगी, इसमें ATM के जरिए पैसे निकालना भी शामिल होगा। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप एक महीने में 4 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे वो आपके ब्रांच के थ्रू हों चाहे वो ATM के थ्रू हों, 4 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते ही आपको चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। इसमें आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 5वीं बार रकम निकासी अपने बैंक खाते से करता है तो उसे ₹50 और सर्विस टैक्स अतिरिक्त चुकाना होगा। वहीं अगर यह निकासी SBI के ATM से होती है तो वहां ₹10 और दूसरे बैंक के ATM से होती है तो ₹20 आपको चुकाने होंगे, इस पर सर्विस टैक्स अलग से लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस नियम के हिसाब से अगर आप 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, 5वीं या उससे अगली ट्रांजैक्शन जो भी आपकी होगी अगर वो ब्रांच के थ्रू होगी तो उस पर आपको ₹50 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज लगेगा। अगर आपका वो SBI के ATM के थ्रू होगी तो आपको ₹10 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज लगेगा। अगर वो आपकी अदर बैंक ATM से होगी तो आपको ₹20 प्लस सर्विस टैक्स चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इन्होंने अगला जो बड़ा चेंज किया है वो किया है अपने कटे फटे नोट बदलने के बारे में। इसमें इन्होंने दिया है कि अगर कोई व्यक्ति 20 कटे फटे नोट जिनकी कुल कीमत ₹5,000 तक होगी बदलता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बदले जाने वाले नोट अगर 20 से ज़्यादा होंगे तो हर नोट पर ₹2 प्लस सर्विस टैक्स आपको देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर कीमत जो टोटल कीमत है नोटों की वो ₹5,000 से ज़्यादा है तो आपको ₹2 प्रति नोट या ₹5 प्रति हज़ार, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। जो इन्होंने अगला बड़ा चेंज किया है फ्रेंड्स, वो किया है इन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग के चार्जेस में। ऑनलाइन बैंकिंग में जो चेंज किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हुआ है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और USSD तरीके से IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम फंड ट्रांसफर करने पर भी लगने वाले चार्जेस में चेंज किया गया है। 1 लाख तक के फंड ट्रांसफर पर ₹5, 1 लाख से 2 लाख के ट्रांसफर पर आपको ₹15 और 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफर पर आपको ₹25 चार्ज अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको सर्विस टैक्स अलग से लगेगा। जो इन्होंने अगला बड़ा चेंज किया है फ्रेंड्स, वो है आपके चेकबुक के चार्जेस में। चेकबुक के चार्जेस में इन्होंने क्या किया है कि अगर कोई बचत खाता धारक 10 पेज लीफ वाली चेकबुक लेता है तो ₹30 देने पड़ेंगे। 25 पेज वाली चेकबुक के लिए आपको ₹75 पे करने पड़ेंगे और 50 पेज वाली चेकबुक के लिए आपको ₹150 पे करने पड़ेंगे। इसमें भी सर्विस टैक्स आपको अलग से लगेगा। फ्रेंड्स, अगला जो चार्ज में इन्होंने चेंज किया है वो किया है ATM कार्ड के चार्जेस में चेंज। और उसमें आपको मैं बता दूं तो उसमें क्या है कि इसमें जो इन्होंने दिया है, 1 जून से SBI केवल रुपए डेबिट कार्ड ही आपको मुफ्त में मुहैया कराएगा। इसके अलावा मास्टर एंड वीज़ा कार्ड लेने पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। बैंक ने अपने वॉलेट बॉडी को लेकर भी शुल्क में बदलाव किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इनके जो चार्जेस स्ट्रक्चर में थे जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए और अपने आगे की जो ट्रांजेक्शन हैं वो इन सबको देखते हुए कीजिए, तो जिससे आपको अननेसेसरी के चार्जेस आपको ना पे करने पड़े। तो फ्रेंड्स, अब पुराने दिन चले गए हैं और SBI बैंक भी चेंज हो चुका है और वो काफ़ी हद तक वो चीज़ों को अपने चेंज कर रहा है। और फ्रेंड्स, अभी ध्यान रखिए अपने अकाउंट को लेकर के, अपनी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, आप क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और किस तरह के चार्जेस आपको लग सकते हैं उन ट्रांजैक्शंस पर। तो प्लीज़ अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो करने से पहले उस चीज़ के बारे में सोच समझ के देख लीजिए कि क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या उसमें आगे आपको चार्जेस लग सकते हैं। तो अपने आप को बचाइए अननेसेसरी के चार्जेस लगने से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।